हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी, जिसके लिए हमने एक कटोरी में सारे मसाले निकाल लिए हैं, जिनमें थोड़ा सा पानी डालकर और उसे भिगो कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए, ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएँ। फिर हमने चढ़ा दिया है कुकर। कुकर में डाला है सरसों का तेल और उसमें डाल रहे हैं प्याज महीन काट करके। उसके बाद हल्का सा प्याज को हमें हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद जो मसाले हमने भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। अब इन मसालों को 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि मसालों से अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर काट के, उन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। और जब सब सारे मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे, तो हम उसमें डाल देंगे सब्जियाँ। सब्जियों को हम 5 से 10 मिनट आराम से भूनेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा हम हल्की ग्रेवी रखते हैं, क्योंकि हमें चावल के साथ खानी है, तो हम इसमें थोड़ा ग्रेवी बढ़ा के डालेंगे। ये रही हमारी आज की थाली। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।